वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, थैंक यू सो मच। देखिए मेरा मानना ही है कि जो पास में जो गुजर गया उस पर ज़्यादा मैं फोकस करता नहीं हूँ, और कोशिश करता हूँ कि जो आने वाली चीज़ है उस पर फोकस किया जाए। ऐसे रिकॉर्ड्स बनते हैं टूटने के लिए, और कोशिश करते हैं कि इसको ब्रेक किया जाए। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कल अच्छी परफॉर्मेंस दें। ऑन द डे डिपेंड करता है, ऑन द डे आप कैसे खेलते हैं, और मुझे पूरा बिलीव है मेरी टीम काफ़ी अच्छा करते आ रही है फर्स्ट टू मैचेस में, और इंशाल्लाह अगले मैचेस में भी अच्छा करेंगे। इज इट अ गेम वेयर द रिजल्ट ऑफ द मैच प्लेज साइकोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट, और व्हाट हैव यू टोल्ड योर बॉयज अबाउट इट? टू बी ऑनेस्ट, यस, इंडिया पाकिस्तान मैच इज बिग गेम, इज हाई इंटेंसिटी गेम, सो बस यही बोला है कि गिव अस बेस्ट अपॉर्चुनिटी, अपना दो जो बेस्ट है आपका, जो आप करते आए हो, जो आप जो हमारा बिलीव है एज अ प्लेयर, एज अ टीम, हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे प्लान्स, और मेन चीज़ है प्लान एग्जीक्यूट करें और बिलीव रखें। बिल्कुल, अहमदाबाद काफ़ी बड़ा स्टेडियम है और काफ़ी फैंस लोग आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि फैंस के सामने अच्छा परफॉर्म करें और हीरो बने। बाबर, कमिंग इनटू दिस वर्ल्ड कप, मोस्ट ऑफ योर बॉयज़, आपको इंडिया में खेलने का एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन आपको जो दो प्रैक्टिस मैच मिले, इसके बाद दो लीग मैचेस मिले, तो कंडीशंस को आप कैसे देखते हैं कि कितना डिफरेंट है आपके होम कंडीशन से, और ये जो आपको एक्सपीरियंस मिला है कमिंग इनटू दिस बिग गेम, ये कितना हेल्प करेगा आपके टीम को? देखें, हैदराबाद में हम तकरीबन 1.5 वीक रहे मोस्टली। देखें, जितना मैंने नोटिस किया, हर सिटी का डिफरेंट बिहेव है, कंडीशंस डिफरेंट कंडीशंस है, सिमिलर नहीं है। कहीं पे ज़्यादा टर्न होता है, कहीं पे ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली है, कहीं बॉलर फ्रेंडली है, तो हर एक स्टेडियम की डिफरेंट जो है वो कंडीशंस, और उस हिसाब से हमने अपना प्लान किया। बिल्कुल हेल्प मिलती है जब आप एक जगह पर रहते हैं, फिर आप स्टडी भी करते हैं कि किस तरह क्या कंडीशन बिहेव करेगी, पहले 10 आवर क्या कर रही है, उसके बाद आफ्टर 10 आवर्स बिहेव डिफरेंट होता है, तो उसी हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं कि हमने कैसे खेलना है, अपने प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है। हेल्प मिलती है डेफिनेटली जब आप एक जगह पर रहते हैं और उस चीज़ को स्टडी करते हैं, तो उसको काफ़ी हेल्प मिलती है। गुड आफ्टरनून, कहावत है क्या, पेस बॉलर्स कम आज हंटिंग पेयर्स, ओके, सो शाहीन आफरीदी का ऑपोजिट में तो नासिम शाह नहीं रहेंगे, सो हाउ मच विल यू बी फीलिंग हिज एब्सेंस, एंड इवन डिड यू हैव अ वर्ड विद शाहीन आफरीदी आल्सो इन दिस मैटर? पहले तो बिल्कुल नसीम शाह को काफ़ी मिस, आप देखें प्रेशर हैंडल, बिल्कुल आपकी सही बात है, एक्सपीरियंस से आती है, जितना आपको जितना आप इस चीज़ में से गुजरते हैं आपको पता है कि कैसे हैंडल करना है। एज अ यंगस्टर आप थोड़ा सा फील करते हैं कि जब मैं पहली बार खेला था तो बड़ा प्रेशर था, तो लेकिन ग्रेजुअली आप जैसे खेलते हैं, आप सीनियर प्लेयर के साथ शेयर करते हैं कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि इस तरह खेलना है या इस तरह प्रेशर को हैंडल करना है, तो ये एक्सपीरियंस के साथ आता है। कोशिश यही होती है कि जो भी यंगस्टर या टीम को पॉजिटिव मैसेज दिया जाए, बिल्कुल इज़ द गेम, बट बिग गेम पाकिस्तान इंडिया मैच, उसको हैंडल कैसे करना है, अपने आप को जितना काम रखोगे बॉल टू बॉल, जितना आप देखोगे, सिर्फ एक चीज़ ये है कि जब फील्ड के टाइम आप बॉल को देखें, और बैटिंग के टाइम बस बॉल एट अ टाइम देखो, और दैट्स इट, ज़्यादा चीज़ों को सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये है कि अपने आप को जितना फोकस रखेंगे उतना प्रेशर कम आएगा। बाबर, आपने ऑन फील्ड दिस साइड, बाबर
बाबर, आपने ऑन फील्ड प्रेशर की बात करी, कैसे डील करते हैं, ऑफ फील्ड कैसे डील करते हैं? इट्स अ बिग मैच, बहुत सारे लोग फोन कर रहे हैं, कह रहे हैं आपको जीतना है, 7 का आंकड़ा जो है वो ठीक नहीं है, वो हाउ डू यू डील विद दैट? इस चीज का तो नहीं, बस बहरहाल टिकटों का बहुत आया वो बेसिकली आपको पता है कि ये हमेशा इसी चीज पे लोग फोन करते हैं, टिकटें मिल जाए या ये, इस चीज का प्रेशर देखें, प्रेशर इस चीज को हम लेते नहीं हैं बिल्कुल, हम पिच पास में जो है वो हमने एग्जीक्यूट कर पाए, लेकिन हमने 2011 और 2019 में चेंज किया, वर्ल्ड कप में हमने इंडिया के अगेंस्ट विक्ट्री हासिल की है, और ये भी पहले नहीं हुआ था लेकिन हुआ अब, तो ये इसी पे हम बिलीव रखते हैं कि कर सकते हैं, हमने करके भी दिखाया, और कल यू नेवर नो, लेकिन हमारा बिलीव है कि हम कर सकते हैं और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ हम जाएंगे, बस ये कि ऑन द डे हम अपना बेस्ट दें। बाबर, दिस इज साक्षी फ्रॉम CNN न्यूज 18, सिंस यू आर हियर इन गुजरात, लेट्स चेंज द मूड अ लिटिल बिट, डिड यू ट्राई गुजराती फूड हियर? Yes, we are tried, but in the hotel we are not going outside right now. Hi, Babar. यहाँ पे जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच हुआ था, वहाँ पे देखा गया था कि सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग काफ़ी ईजी हो गई थी, आप लोगों ने एक ट्रेनिंग सेशन भी की थी कल शाम में, क्या ड्यू थी और आपको लगता है टॉस एक बड़ा फैक्टर हो सकता है कल? आई थिंक इस जितने भी मैच देखे हैं टॉस वाइटल है, क्योंकि अंडर द लाइट्स काफ़ी अच्छा पिच बिहेव करता है, बिल्कुल ड्यू थी थोड़ी सी, लेकिन आई डोंट नो अभी मैच रेफरी या अंपायर से पूछेंगे कि स्प्रे होगा कि नहीं होगा फॉर ड्यू, बट लास्ट नाइट ड्यू थी, अंडर द लाइट्स बेहतर खेलता है। हाय बाबर, ये ऐसा मैच होता है कि आपके देश में लोग कहते हैं यार कहीं भी हार जाना हिंदुस्तान से मत हारना, और हमारे देश में बोलते हैं कहीं हार जाना पाकिस्तान से मत हारना, तो ये ऐसा मैच है कि कप्तानी चली जाती है, तो इस बात का प्रेशर कितना होता है, और आपका खिलाड़ियों को अपनी टीम मीटिंग में क्या आप मैंडेट देते हैं, उनको क्या कहना है? सर एक बात, मैं इस चीज़ पे कभी वो चीज़ नहीं करता कि इस मैच की वजह से मेरी कप्तानी चल जाएगी, अल्लाह ने जितना मेरी लिखी है उतना मैं करूँगा, जितना मेरा अल्लाह पे बिलीव है उतनी मुझे मिलेगी, मुझे एक मैच की वजह से या कप्तानी मिली नहीं है या एक मैच की वजह से मुझे मेरी जाएगी नहीं, मेरा इस पर बिलीव है। कॉन्फिडेंस यही है कि जिस तरह हमने 2019 में खेला था T20 में या अभी वर्ल्ड कप में भी, जस्ट ये है कि सिंपल प्लान्स के अपने आप को बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, बेस्ट अपना गेम एग्जीक्यूट करने का मौका है, आप जाके एग्जीक्यूट करें और मेन चीज़ इस चीज़ को एंजॉय ज़रूर करें। बाबर, आपका खुद का रिकॉर्ड अभी तक ODIs में इंडिया के खिलाफ उतना अच्छा नहीं रहा है, क्या एक किस्म की बॉलिंग है इंडिया की जिसके खिलाफ आपने थोड़ी स्ट्रगल करी है, एंड क्या ये चीज़ आपके जहन में है ये मैच के पहले कि आपका खुद का रन? मेरा इस वर्ल्ड कप में राइट नाउ अभी तक वैसा जैसा खेलना चाहिए वैसा नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट मैचेस में आपको डिफरेंट नज़र आएगा। अगेंस्ट इंडिया देखें, हम ओनली जो हैं वो वर्ल्ड कप में ही एक दूसरे के सामने आते हैं, तो काफ़ी गैप है, तो ये चीज़ नहीं है कि किसी बॉलर की वजह से या किसी मैं कहता हूँ कि मैं अपनी मिस्टेक की वजह से कभी कभार आउट होता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि कम से कम मिस्टेक की जाए।